हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाएं। दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक साथ में मेरे एफएल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएं। दोस्तों, अगर आपको एफएल पसंद आती है तो आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं एफएल शूटिंग वीडियोस, पावर वीडियोस, रिव्यू वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ साथ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी मेरा दोस्त एयरगन एक्सेसरी, एयरगन स्कोप्स, पैलेट्स या फिर एयरगन एयर राइफल कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आप कोई भी चीज़ ऑल ओवर इंडिया बाय कर सकते हैं, आपके घर तक शिप हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने ये एक हैंगिंग स्विंगिंग टारगेट बनाया था, तो इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, और इसका अब रिव्यू दे रहा हूँ, और इसमें मैंने क्या अपग्रेड किया इसको वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये देखिए, जो इस पर मैंने कहा था ना, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो जब मैंने इसको सेट किया तो उस दिन बारिश भी आई थी, पर बारिश में भी बिल्कुल सेट रहा, इसका पेंट भी नहीं उतरा पानी से, बिल्कुल ठीक रहा। ये देखिए दोस्तों, ये सारे पैलेट्स ही बजे हुए हैं, और पैलेट बजने की वजह से थोड़ा मुड़ गया है, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्मर थोड़ी पावरफुल है इसलिए मुड़ गया, अगर थोड़ी कम पावरफुल जैसे टॉमी जैसी गन से यूज़ करोगे तो नहीं मुड़ेगा इतना, और पैलेट इसके थ्रू नहीं गया, ये बिल्कुल ठीक है। और बारिश में भी इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पर दोस्तों, इसमें मैंने जो सबसे अच्छी एडिशन की है वो है ये, इसके अंदर एक और टारगेट ऐड कर दिया मैंने, और इसको मैंने पेंट नहीं किया, ये भी बस ये रोटी पलटने वाला है, इस पर मैंने पर पेंट नहीं किया। और ये दोस्तों, ये देखिए, इसको मैंने इसके अंदर इसके साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए जब इस पर गोली बजती है ना, हिलता है पूरा ऐसे ऐसे। पर इसको मैंने ये जो पतली सी ये मतलब जंग लगी हुई तार ही है, उसको मैंने इसे मोड़ के ये बनाया, और इसको मैंने इसके साथ अच्छे से मतलब इसको मैंने इसके साथ जोड़ा नहीं, बस इसको इसके अंदर ना अपने हाथ से ये इसको मोड़ दिया, जंग लगा आराम से मुड़ जाता है, तो इसको बस यहाँ पे फिट करा है और यहाँ से डोर से बांध दिया है, तो ये ऐसे ऐसे हिलता है, मतलब ये इसके अंदर हिलता है और इस पूरी सेटअप को हिलाता नहीं है। इस पर आप गोली मारेंगे तो बस ये हिलेगा और ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा, इस पर मारेंगे तो पूरा सेटअप भी हिलता है थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी बहुत अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये देखिए, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है ना, मतलब ये सिर्फ इसके अंदर ऐसे गया हुआ है, इसलिए ये हिलेगा, पूरे सेटअप को ज़्यादा नहीं लाता। बाकी दो टारगेट होने की वजह से शूटिंग में मज़ा आता है, और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट राइट, और साथ ही साथ बहुत अच्छा काम किया इसने, और इसको हम पेंट कर सकते हैं वापस। इस पर मैंने कुछ नहीं किया, और इस पर मैंने अभी गोली भी नहीं मारी कोई, इसलिए मुड़ा नहीं बिल्कुल भी, ये सारा मुड़ गया, पर इस पर हम पेंट वापस कर सकते हैं। और ये काइट पीछे लगाई थी एक ब्लैक कलर की, वो जब बारिश है तो पानी से उतरेगी, वो फिर मैंने रेड काइट लगा दी थी, वो भी गिर गई है, तो आप काइट तो कभी भी लगा दीजिए, बारिश से कोई इफेक्ट नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, धूप से कुछ इफेक्ट नहीं आया अभी तक, बारिश आएगा भी कैसे, ये सारा लोहा है और प्लास्टिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल फ्री पड़ा है मुझे, ये भी मेरे पास वेस्ट ही पड़ा हुआ था, और इतना अच्छा स्पिनिंग टारगेट है, स्विंगिंग टारगेट है, जब इस पर पैलेट बजा तो आवाज़ बहुत अच्छी आती है। ये सारा वेस्ट मटेरियल से बना है, इसलिए कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, ये सारी जो पता नहीं क्या है, ये तार सी है, मोटी सी जंग लगी हुई, ये सारा वेस्ट मटेरियल है, ये सारा जो जोड़ा हुआ है यहाँ से, बट टारगेट बहुत अच्छा बन गया है। और एक और चीज़ मैंने मतलब करी है, जो इसके साथ आप एक तरह से आप इसका हैक कह सकते हो, तो वो दिखाता हूँ आपको। इसको कहा था ना, आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे इसके ये दो डंडे फिट हो जाएं, वो इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। पर दोस्तों, प्रॉब्लम पता क्या आ रही थी, ये पोर्टेबल टारगेट एक जगह तो रखना नहीं है, जहाँ पे ये फिट हो जाए इसके डंडे, वहाँ पे आपने इसको रख देना है, तो पर कई बार हर जगह डंडा फिट नहीं होता, मतलब इतना लंबा नहीं होता कि इधर तक फिट हो जाए, इसलिए फिट नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत इजी लाइफ है कि ये बस एक लकड़ी का पीस है, इसके अंदर फिट कर दिया है, तो अगर आपकी जैसे आप डंडा आपका छोटा रह गया, जगह ज़्यादा, तो बस एक ऐसा डंडा लगा दीजिए, ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। और ये देखिए, आपके टारगेट आगे, इस पर आप शूट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत अच्छा टारगेट है ये, बिल्कुल सस्ते दाम में, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई भी मेरे को पैलेट बच के वापस नहीं आया मेरी तरफ, क्योंकि सारी एनर्जी को ब्लॉक कर लेते हैं, और बहुत अच्छा टारगेट है ये। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और दोस्तों, अगर आप में से कोई भी आपको चीज़ खरीदना चाहते हो, तो नंबर जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जाए। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक्स वॉचिंग गाइस, बाय।